नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। जैसा हम लोगों को सबको पता है, मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, जिसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है? तो अभी आपका सामने 22 तारीख का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है। देखिए, यहां पर आज को मार्केट ओपन हुआ, ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है, दिस इज द सिग्नल। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा, आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। अब मेन जो क्वेश्चन होता है, जो सिग्नल तो बहुत सारा बनता है, बट सिग्नल को कंफर्म करेंगे कैसे? यहां पर जब भी आपको एंट्री लेना है, उसका पहले आपको तीन कंडीशन को देखना है। एक है बाइंग का टाइम, नीचे का जो पट्टी है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। अगर नीचे का पट्टी ग्रीन है, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। बाय का कॉल का पहले हमेशा एक स्टार बनेगा ग्रीन कलर का। नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है, जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, और ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है, तभी आप किसी कॉल को स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो देखिए, यहां पर सारा का सारा कंडीशन मैच है, तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री लेने के बाद जो मेन चीज होता है, एग्जिट। ऊपर में देखिए, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। तो रेजिस्टेंस एक अंदाजा होता है जो मार्केट कितना जाएगा, तो ये एक लेवल भी आप उसको बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर गया तो ब्रेकआउट तक जा सकता है। तो बाइंग का दो लेवल है। तो देखिए, ग्रीन डॉटेड लाइन को टच करने के बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज किया, ब्लू कलर का ब्रिज बना। ब्लू का मतलब ही है आगे आपका रिवर्सल हो सकता है। दोबारा ग्रीन बनने का कोशिश किया था, बट फाइनली देखेंगे यहां से रेड होकर मार्केट नीचे आ गया। तो ऊपर में ये जो ब्रिक्स इंडिकेटर चल रहा है, इसका ऊपर में जो रेड लाइन है, ये वन काइंड ऑफ ओवरबॉट का जोन है। मतलब ये जो सेंटिमेंटल इंडिकेटर है, जहां पर ये रेड लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट में चला गया। तो वहां से देखिए, मार्केट फाइनली रिवर्स हो गया, एंड यहां पर सेल का कॉल बन गया। सेलिंग का कॉल में भी यहां पर आपको वही सेम कंडीशन को देखना है। देखिए, सिग्नल का स्टार है, नीचे का रिबन रेड, और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर भी रेड रहेगा और व्हाइट का नीचे रहेगा। तो यहां पर भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, और उसका नीचे देखिए ब्रेकडाउन लेवल। तो ये दोनों लेवल ही करीब था, दोनों लेवल को ही यहां पर टच किया। उसका बाद भी अगर मैं कंटिन्यू करूंगा, तो मुझे ब्रिक्स को फॉलो करना है। देखिए, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर यहां पर दोबारा ब्लू हो गया। तो ब्लू का मतलब ये है, ये रिवर्सल का एक संकेत है। हम लोग इस कैंडल का हाई का ऊपर स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। फाइनली देखिए, मार्केट धीरे धीरे करके रिवर्स हो गया और यहां पर बाइंग का कॉल बना। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या ये बाइंग का कॉल सही है? अभी यहां पर भी वही तीन कंडीशन को देखिए। नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट इस बाय का कॉल में देखिए कोई ग्रीन स्टार आपको नहीं दिख रहा है। तो जो थर्ड कंडीशन है, वो आपका यहां पर मिसिंग है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनली अगर हम लोग देखेंगे, तो मार्केट में दोबारा ब्लू ब्रिक्स बन गया, स्टार बना ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो बाय का कॉल है, ये आपके लिए हो गया फोर्थ कॉल। तो ऐसा बहुत सारा कॉल बनेगा जहां पर कंडीशन मैच नहीं होता है, तो हम लोग उस कॉल में ट्रेड नहीं लेंगे। फाइनली सेल का कॉल बना। सेल का कॉल में नीचे का रिबाउंड देखना है, ब्रेक्स देखना है, और यहां पर स्टार को लेके बहुत जन का कंफ्यूजन होता है, जो स्टार यहां पर नहीं है। देखिए, एक्चुअली रेड जो स्टार बना है, वो यहां पर बना है। इसका बाद कहीं पर भी कोई ग्रीन स्टार है नहीं, तो दोबारा रेड स्टार यहां पर देगा नहीं। आप जस्ट इस कैंडल से एंट्री ले सकते हैं। ये जो ब्रिक्स आपका व्हाइट का नीचे आया रेड होके, इसका बाद आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। बट यहां पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो मार्केट में नीचे का तरफ ज्यादा स्पेस नहीं है। ब्रेकडाउन लेवल एंड सपोर्ट लेवल दोनों को हिट कर दिया। अभी सिर्फ एक का भरोसा आप एंट्री लेके कंटिन्यू करेंगे, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स का कलर जब तक रेड है और ये ब्लू तक गया नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा अभी भी मार्केट में गैप है, अभी भी मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट है नीचे ले जाने का। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, एक टोटली प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है। यहां पर कोई भी चीज रिपेंड नहीं है। सिग्नल बनेगा, ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा। ट्रेड करने का पहले कंडीशन को फॉलो कीजिए, कंडीशन मैच होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड एंट्री लेने के बाद हमेशा आपको फोकस करना है एग्जिट पे। जैसा अभी देखिए, ये लाइव में चल रहा है, सेलिंग का पोजीशन में मैं एंट्री लिया हूं, नीचे करीब रेड है, सेल का कॉल चल रहा है। ब्रिक्स का तरफ आपका मेन ध्यान है। ब्रिक्स का कलर जब तक रेड है, आपका पोजीशन सिक्योर है। अगर ब्रिक्स का कलर चेंज हो जाता है, या फिर ये ब्रिक्स धीरे धीरे करके ये ब्लू तक चला आ जाता है, ब्लू मतलब ये आपका ओवर सोल्ड का एक जोन है, तो यहां से आके जनरली मार्केट रिवर्स करने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा गैप मुझे यहां पर दिख रहा है, उस भरोसे में मैं यहां पर कंटिन्यू कर सकता हूं। तो लॉजिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।